भोपाल में जिला प्रशासन ने दिव्यांगजनों के लिए ड्राइव इन वैक्सीनेशन की शुरुआत की। इस दौरान कलेक्टर अविनाश लवानिया ने बताया कि उनका उद्देश्य है कि भोपाल में सभी को वैक्सीन लगे, इसमें किसी को भी किसी प्रकार की समस्या ना हो। भोपाल के अशोका लेक व्यू होटल में दिव्यांगजनों के लिए ड्राइव इन वैक्सीनेशन की साइट का कलेक्टर अविनाश लवानिया ने शुभारंभ किया। इस दौरान दिव्यांगजनों को कोरोना का टीका लगाया गया। कलेक्टर अविनाश लवानिया ने बताया कि उनका उद्देश्य है कि सभी को वैक्सीन लगे। ये स्पेशल कैंप दिव्यांगजनों के लिए है, जिसमें प्रशासन द्वारा सभी दिव्यांगों को गाड़ी में लाया जा रहा है। गाड़ी में ही उन्हें वैक्सीन लगाई जा रही है, जिसके बाद उन्हें वापस घर भेज दिया जाता है। देखिए, हमारा उद्देश्य ये है कि भोपाल का हर जन अपने आप को वैक्सीनेट करा सके, उसे उसमें किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़े। इसी क्रम में यहाँ ड्राइव इन वैक्सीनेशन कैंप में हम लोगों ने स्पेशल कैंप भोपाल के दिव्यांगजनों के लिए लगाया है। इसमें हमारा उद्देश्य यही है, हम जो कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि सभी दिव्यांगजनों को वार्ड वाइज चिन्हांकित करके उनके घर वाहन भेज के हम उनको बुला रहे हैं। यहाँ वाहन में बैठे बैठे उनका वैक्सीनेशन हो रहा है और उसी वाहन से हम उन्हें वापस उनके घर छोड़ रहे हैं। इसके माध्यम से हम ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि ऐसे दिव्यांगजन जिनके लिए सामान्यतः घर से बाहर निकलना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, वे भी वैक्सीनेशन से वंचित ना रहें और कम्फर्टेबली हम उन सबको भी वैक्सीनेट करा सकें। इस कैंप को आज हम लोगों ने पायलट किया है। इसके साथ ही हम हर वार्ड में इस प्रकार से एक एक वार्ड लेके सभी दिव्यांगजनों को कवर करेंगे। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।